जैस संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से चर्चा की। बड़वानी जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी अधिकार यात्रा मिशन युवा नेतृत्व को लेकर निकाली जा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और आदिवासी के संवैधानिक अधिकारों के बारे में गांव गढ़ राज्य के बारे में बताएंगे। आदिवासियों के हितों को लेकर, युवाओं में एकजुटता को लेकर घर घर और गांव गांव में जाएंगे। भाजपा की विकास यात्रा पर जयस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजू पटेल ने बताया है कि यह विनाश यात्रा है और जो काम हुआ नहीं उसे बताना पड़ रहा है। आदिवासी अधिकार यात्रा में इनकी पोल खोल यात्रा गांव गांव तक। बड़वानी जिला मुख्यालय में आपने प्रेस वार्ता रखी है, इसका विषय क्या है? आज बड़वानी जिले में आदिवासी अधिकार यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता रखी गई है कि जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के माध्यम से बड़वानी जिले के पानसेमल विधानसभा में 21 तारीख मंगलवार से आदिवासी अधिकार यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रेस वार्ता रखी है। भाजपा जो है, भाजपा के द्वारा भी विकास यात्रा निकाली जा रही है, उसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो भाजपा विकास यात्रा निकाल रही है उसका आप सभी मीडिया के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से सूचना मिल रही है और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में जो भाजपा द्वारा विकास यात्रा निकाली जा रही है उसका पूरे जगह विरोध हो रहा है, क्योंकि विकास किया ही नहीं। इन्होंने मालवा में जैसे देखने को मिल रहा है, भाई विधायकों का विरोध हो रहा है तो सांसदों का विरोध हो रहा है, तो मालवा से देखने को मिल रहा है कि इन्होंने विकास किया ही नहीं, तो फिर यात्रा करके बताने की इन्हें जरूरत पड़ गई, क्योंकि विकास किया ही नहीं। जबरदस्ती ये कर्मचारी को यात्रा में ड्यूटी लगाकर परेशान किया जा रहा है, इसीलिए जयस के माध्यम से विकास यात्रा की पोल खोल यात्रा निकाली जा रही है। गांव गांव में जाकर स्कूलों का निरीक्षण करेंगे, आंगनवाड़ियों का निरीक्षण करेंगे, क्योंकि आज भी आदिवासियों का मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। और उधर से मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार विकास यात्रा निकालती है, ये विकास यात्रा नहीं, ये विनाश यात्रा है। हम ये मीडिया बंधुओं के माध्यम से बताना चाहते हैं।